वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से संवाद नंबर 198 जारी हुआ है। देखते हैं उसमें क्या है और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि आयोग की ओर से जो 3 जनवरी को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस उप निरीक्षक अभिसूचना गुलनायक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों के हेतु जो विज्ञापन जारी हुए थे, इन विज्ञापनों में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी उसको लेकर ये समाज जारी हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 मुख्य बातें यहां पर रखी हुई हैं। पहला कि बीटेक या अन्य ऐसी डिग्रियां क्या विज्ञान स्नातक के समकक्ष हैं, पहला। दूसरा, कुछ डिग्रियां जिनमें विज्ञान जैसे सब्जेक्ट हैं उन्हें विज्ञान स्नातक माना जाएगा या नहीं। तो इस पर आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने क्या कहा उसको लेकर देखते हैं कि इस संबंध में स्पष्ट करना है कि विज्ञान स्नातक की उपाधि या अन्य कौन सी उपाधि विज्ञान स्नातक के समान है या समकक्ष होगी। इस स्पष्टीकरण के लिए आयोग के क्षेत्रीय अधिकार में नहीं है, यानी कि ये सब कौन सा मतलब क्वालिफिकेशन साइंस के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी, ये जो है आयोग ने साफ स्पष्ट कह दिया ये हमारे अधीन नहीं है, एवं ना ही आयोग के पास इस तरह की विषय वस्तु उपलब्ध है जिससे विभिन्न डिग्रियों की समकक्षता देखी जा सके। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी अपने विश्वविद्यालय से या समकक्षता के निर्धारण करने वाली अन्य संस्थाओं से जारी अधिसूचना व आदेश जाकर जानकारी ले सकते हैं। यानी कि साफ साफ आयोग ने कह दिया कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये इसके समकक्ष आती है या नहीं आती, या आप अपने डिग्री कॉलेज या फिर जिस संस्थान से आपने पास किया है वहाँ से आप ये सूचना ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आगे लिखा है कि आयोग के लिए सामान्यतः विज्ञान स्नातक का अर्थ है कि जिस अभ्यर्थी की उपाधि में विज्ञान स्नातक का उल्लेख, यानी कि जैसे स्नातक अगर किसी भी डिग्री में लिखा है तो उसे वो मानता है, ठीक है। आगे इसी संबंध में यदि समकक्ष संस्था द्वारा किसी डिग्री को विज्ञान स्नातक माना गया है तो उसे भी आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, यानी कि आयोग ने यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी किसी को साइंस की डिग्री मानती है तो आयोग भी उसको मानता है, ठीक है। इसी तरह से जो भी उपाधियां समकक्ष अधिकारियों या संस्थाओं द्वारा विज्ञान के समकक्ष मानी गई हैं उन्हें आयोग स्वीकार जो है करता है, यानी कि आयोग भी मानता है कि वो विज्ञान के अधीन है। आगे लिखा है कि अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा कि वो समकक्ष अधिकारियों संस्थाओं के ऐसे विवरणों या वेबसाइट के उदाहरणों के साथ साथ आयोग की सूची करें तथा ऐसी समकक्ष उपाधियों को आयोग की उपाधि विवरण में अपडेट कराने हेतु अनुरोध भेजें, ऐसी लिए ताकि ये सब जो डिग्रियां हैं उनको जो है आयोग अपनी जो है वेबसाइट में या फिर अपने डेटा में अपडेट कर सके। और ये रिक्वेस्ट जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सभी कैंडिडेट से की है। तो यहाँ पर जो बात निकल के सामने आती है कि जो अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में SI की जो भर्तियाँ आई थी उसमें साइंस के सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी दिक्कतें थी, क्योंकि आजकल नए नए कोर्स आ गए हैं जो कि साइंस के कैटेगरी में ही आते हैं। तो इसको लेकर आयोग ने साफ साफ कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी डिग्री ये कॉलेज या फिर संस्थान कोई भी अगर उसको साइंस का स्टूडेंट मानती है या उसके द्वारा ली गई डिग्री को साइंस के समकक्ष मानती है तो हम भी मानते हैं। और उसके अलावा आयोग ने ये सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की है कि आयोग को मेल भेजकर ऐसी ऐसी डिग्रियों के बारे में बताएं जो कि साइंस के अंतर्गत आती हैं, उसे आयोग अपने डेटाबेस में ऐड करेगा वेरीफाई करके, ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी कैंडिडेट्स को दिक्कत ना हो।